हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। 12 मार्च को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा था कि सर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए कि हम 12 मार्च को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ्स के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने बेसिक लिया हुआ है, बेसिक मैथ्स लिया हुआ है, कुछ ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में, जो कि बेसिक मैथ्स के बारे में है टाइम टेबल। तो इसे नोट डाउन कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको सुनिए, बाकी इसी के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। तो आपका मैथ्स आप टॉपर करोगे। मेरी यही आशा है कि आप टॉपर करो, अच्छे जाओ और अच्छी प्रिपरेशन करो। तो आज बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले 4 मार्च, 4 मार्च को जब आप प्रिपेयर करके अपना एग्जाम दे के आओगे साइंस का, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने थोड़ा रेस्ट जैसे करोगे आप प्रिपरेशन शुरू करोगे जब मैथ्स की, तो 4 मार्च को आपने 11 और 13, 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन वाला है, जिसमें आप थोड़ा हो जाएगा कि आप कंपास से थोड़ा काम करोगे। तो आपका ऐसे होता है जैसे कि कई बार हम एग्जाम दे के आते हैं तो हमारा मन नहीं करता कोई काम करने के लिए, तो आप कंपास का काम यूज करोगे तो आपका दिल करेगा काम करने का। तो जैसे जैसे आपका लिंक अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, तो 13 चैप्टर सरफेस एरिया बोल रहे, उसमें आपने क्या है, सबसे पहले आपने फॉर्मूलाज को देखना, फॉर्मूला लर्न्स करने हैं, उसको अच्छे प्रिपेयर करनी है उसको फॉर्मूलाज का, क्योंकि वो वही लगना है। तो उसके बाद जो लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म में मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसमें से एक सम 4 मार्क्स का जरूर आता है। बाकी आप देखिए, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बाद में वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल हम तैयारी करते हैं कि टाइम टेबल हम एग्जाम बेसिक का कैसे तैयार करें। सबसे पहले 4 मार्च को 11 और 13 चैप्टर करना है आपने। ओके, देन 5 मार्च को आपने 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 और चैप्टर 10, 8 और 9 का लिंक है आपस में, ठीक है, इसका प्रिपरेशन अच्छे से करना है आपने, 4 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 और चैप्टर 10। उसके बाद नेक्स्ट आता है 6 मार्च, 6 मार्च को आपने करना है चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 6 चैप्टर 12। इसको आपसे बिल्कुल सारा, जैसे होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि एक एक सम करके देखते हैं, एक एक सम करके नहीं देखना, वो टाइम आपका निकल चुका है। आपने किया होगा जरूर, एक वन वन सम करके पूरा कंप्लीट किया होगा। बाकी जो एक जैसे सम है, जैसे एक जैसे सम होते हैं, तो उनको एक ही एक सम को कीजिए सिर्फ। जैसे 3 सम है, आपको पता है कि मेरे 3 सम एक जैसे हैं, तो उसमें से एक करना है आपने। अगर आप रेगुलरली करते रहोगे, पूरा मैथ्स करोगे, इतना टाइम नहीं होता इस टाइम पे इतना करने का। बाकी आपने प्रिपरेशन पूरी करनी है, लेकिन ऐसे करनी है कि आपने सिर्फ 3 सम है एक जैसे, तो उसमें से एक सम करके देख लेना है, उसको देखना है कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे कैसे करनी है। अभी फिलहाल हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रिपेयर कैसे करना है आपने, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 6 चैप्टर 12। 6 मार्च को आपने क्या करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 6 और चैप्टर 12। 6 चैप्टर के अंदर आपने थ्योरम्स भी साथ में ही करना है, इसको पूरा प्रिपेयर करना है। जो भी चैप्टर आप करोगे तो उसके अंदर एग्जाम्पल जरूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपने छोड़ दिया, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, बिल्कुल एग्जाम्पल क्लियर करने हैं आपने बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7 मार्च, 7 मार्च को आपने करना है चैप्टर 5 चैप्टर 7 चैप्टर 14 चैप्टर 15। उसके बाद 8 मार्च को आपने करना है चैप्टर 3, जो कि आपका चैप्टर 3 बच गया, बाकी प्रिपेयर हो चुके हैं आपके सारे। चैप्टर 3 प्लस में सैंपल पेपर्स आपने साथ में शुरू कर देने हैं, इसके साथ आपने सैंपल पेपर्स भी करने हैं, सारे चैप्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि कितना प्रिपेयर मैं कर चुका हूँ, कितनी मेरी कमी रहेगी है। उसके बाद आपने ऑप्शनल, इसमें से ऑप्शनल कोई भी नहीं छोड़नी, ऑप्शनल नहीं छोड़ना आपने। एनसीईआरटी मैथ आपको प्रॉपर आना चाहिए, जिससे आपके 95 अबव तो पक्का ही है, 100 भी आ सकते हैं, क्योंकि मैथ स्कोरिंग होता है, आप 100 भी ले सकते हो। अगर आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से करते हो तो 100 भी ले सकते हो। कोई बेसिक आपने कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाते, जैसे मैं प्लस माइनस के सम की मैंने वीडियो डाल रखी है, एक बार वो वीडियो देख लेना, थोड़ा आपका बेसिकली और क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 3 प्लस में सैम्पल पेपर, प्लस में ऑप्शनल, एक बार फिर रिविजन शुरू कर देना ऑप्शनल की, 4 चैप्टर 5 चैप्टर जैसे भी आपका प्रिपरेशन हो सके उस दिन आपने करनी है, ऑप्शनल करनी है साथ में। कम से कम 10 सैंपल पेपर से पेपर जरूर उठाने हैं आपने, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए 9 मार्च को, जो सैंपल पेपर अगर आपके 4 होते हैं 3 होते हैं 5 होते हैं, लेकिन टाइम आपने ज़्यादा देना है जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके,
उसके बाद आपने सैंपल पेपर देने हैं 9 मार्च को, सैंपल पेपर प्लस में थ्योरम्स। थ्योरम्स में कौन सी 6 चैप्टर की थ्योरम्स है, जैसे आपके 10 चैप्टर में से थ्योरम आती है तो मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी मैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10 मार्च को, 10 मार्च उस दिन होली है, ठीक है, होली की बहुत मुबारक पहले से मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, सारा दिन होली नहीं खेलनी। क्यों? क्योंकि आपका नेक्स्ट डे वन डे बचता है, वन डे के बाद आपने फिर प्रिपरेशन कब करोगे, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपने 10 मार्च के डे को अगर आपने खराब कर दिया तो आपका ऐसा होता है कि माइंड हमारा उसी टाइम में लग जाता है, उसी चीज में लगा रहता है, तो हम पुरानी चीजें पहले हमारे दिमाग से हट चुकी होती हैं, तो आपने वो काम नहीं करना, सारा दिन होली नहीं खेलनी है। होली खेलनी चाहिए लेकिन फूलों की होली, और गलत रंगों से आपने होली नहीं खेलनी, चलो कोई बात नहीं खेलो, लेकिन जब ये चीज है कि आपने उसके प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना, थोड़े टाइम में खेलना है, 1 या 2 आवर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं खेलना। ओके, 10 मार्च को आपने क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और साथ में अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप फिर ऑप्शनल जो बच जाती है इसमें या कुछ रह जाता है तो उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है 11 मार्च, 11 मार्च को क्या हुआ कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, 12 मार्च को आपका एग्जाम है, तो आपने क्या करना है, सारे चैप्टरों की रिविजन। अब कहोगे सर इतने चैप्टर की रिविजन हम कैसे करेंगे, तो उसके चैप्टर की रिविजन का मतलब ये नहीं होता कि फिर चैप्टर दोबारा 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 करते रहो। आपने क्या करना है, जैसे आपने 11 चैप्टर उठाया उसमें से अपनी कंफ्यूजन एक नोट्स बनाओ साथ साथ। वैसे तो पहले नोट्स बनाना चाहिए था आपको, अगर जिन बच्चों ने बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोट्स बनाओगे तो आपका क्या होगा, साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो नोट्स काम आते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता। सुबह भी अगर बच्चा 10 o'clock जाना होता है तो 9 o'clock तक उसको तैयार होना पड़ता है, बिल्कुल रेडी प्रिपेयर होना पड़ता है कि मैंने एग्जाम देने के लिए जाना है, 1 आवर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर रखो। उससे पहले आपने फॉर्मूलाज जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको जरूर करना है आपने, क्योंकि बच्चों के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इतने सारे चैप्टर अब कैसे रिवाइज करेंगे। आपने नहीं करने, 11 डेट को, 11 मार्च को रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपको 11 चैप्टर में कोई कंफ्यूजन थी उसको आपने नोट डाउन किया होगा कि मेरे को ये सम करने में काफी प्रॉब्लम होती है, उसको नोट डाउन करके रखना साथ के साथ। उसके बाद 13 चैप्टर जैसे उठाया उसको नोट डाउन किया, एक अलग से कॉपी बनानी है आपने, उसमें लिखना है कि मेरे को 13 चैप्टर में ये प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको आपने इस 11 मार्च को प्रिपेयर करना है। फिर 4 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, ऐसे ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको नोट डाउन करते रहना है साथ साथ, जिससे आपको प्रिपेयर हो जाए कि मैंने करना कैसे है उसको। कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर आपने साथ में करना है, प्रॉपर लिखना है कि 1 चैप्टर में से मेरे को ये प्रॉब्लम है, 2nd चैप्टर में से मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में से ये प्रॉब्लम है, सारी करके आपने 11 मार्च को रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स का मेरा मीनिंग यही है, आपने सारा प्रिपेयर करना है, और आपकी एग्जाम की तैयारी हो चुकी होगी 11 मार्च को, और 12 मार्च को एग्जाम देने के लिए जाओगे। ऑल दी बेस्ट, अच्छा एग्जाम हो, मैं भगवान से यही गॉड से कहूंगा कि आपका प्रिपेयर इतना अच्छा हो और आपका एग्जाम इतना अच्छा हो कि आप टॉपर आओ, 100% मार्क्स लो, आप मैथमेटिक्स में ले सकते हो, अपने आप को बनाओ। मेरी फर्स्ट वीडियो भी ऐसी थी कि आपको अनकरेज करने के लिए कि आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, करके दिखाओ। कुछ बच्चे अपनी हार मान जाते हैं कि नहीं सर हमारे से नहीं होता, नहीं सर हमारे से नहीं होता, तो उसको आपने प्रिपेयर करना है, उसको आपने जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करिए। ऑल दी बेस्ट, अच्छा पेपर जाए आपका, गुड बाय।